पसंदीदा एक्शन मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें। अरे मियां नवाब साहब कहाँ चल दिए? हुजूर एक साल से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा कोई काम आ गया था? हाँ भाई चेस बोर्ड की बाजी लगाएं। अब दिनों से दिमाग की वर्जिश नहीं हुई। बिल्कुल सही, यही सोचकर तो हम भी यहाँ आए थे। पूछाओ भाई बिसात कहाँ है? भैया आज इतना सन्नाटा से क्यों है? लाट साहब कहाँ है? जनाब जाग भी गए और चले भी गए। हुजूर राजा साहब भैया आपके साहबजादे का चक्कर समझ में नहीं आया। दिन भर सोते हैं रात भर जागते हैं, ये माजरा क्या है? मियां आपको तो मालूम ही है कि जब अमेरिका में सूरज गुरूब होता है तो हमारे यहाँ निकलता है। ये बिल्कुल ठीक, ये कुछ अमेरिकी आते हैं उनकी जो अभी तक छुट्टी नहीं है। वैसे ये दिन तो उनके ऐश करने के हैं मियां। लाइफ बिगिंस एट सन डाउन। भाई ये उम्र और ऐश, खूब कही आपने भी। अरे भाई प्यारा लाल, यस सर। कहाँ जा रहे हो भाई, क्या हो रहा है? वो सर लाट साहब को एक सूट बदलना है। ये तो कई सूट ले जा रहे हो तुम। बात क्या है सर, लाट साहब आज एक पार्टी में जा रहे हैं तो उस पार्टी के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उन्होंने एक सूट मंगवाया है। मगर ये तो सारे सूट ले जा रहे हो तुम। सर आप तो उनके मूड को अच्छी तरह से जानते हैं, ये पसंद नहीं आया तो वो नहीं तो ये नहीं तो वो। यू नो बेटर। किसी लड़की वड़की का मामला तो नहीं है? सर यही कहने के लिए मुंह नहीं खुल रहा था। अब खुल ही गया तो डिटेल में बता दो, कोई लड़की पसंद आई मेरे बेटे को? फिलहाल तो ये मालूम पड़ा कि उसका नाम है अंजू। अंजू? जैसे ही ज्यादा डिटेल मालूम पड़ेगी फौरन आपके सामने पेश कर दो। फौरन जाओ और डिटेल ले आओ। अभी गया, एक्सक्यूज मी। आधा भाई वाह,
बाप शेर तो बेटा सवार शेर। अजी हम तो नाम के नवाब रह गए, असल में नवाब तो आपके लाट साहब हैं। समझ गया
हिरनी जैसी आंखों वाली, गोरे गोरे गालों वाली एक लड़की चिकनी चिकनी सी। हिरनी जैसी आंखों वाली, गोरे गोरे गालों वाली एक लड़की चिकनी चिकनी सी। अरे 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 मैं फिसल गया। अरे 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 मैं तो सचमुच फिसल गया। माधुरी जया प्रदा श्री प्रधा शिल्पा रवीना पूजा भट्ट हमारे लाट साहब पड़े हैं चारों खाने पर। अरे सरकार उठिए उठिए, मेरे होते हुए प्यारे लाल के होते हुए आप इस तरह पड़े रहेंगे ये तो हो नहीं सकता है। प्यारे की किताब में ऐसी हालत में इंसान का संभलना वाकई बहुत मुश्किल है प्यारे। अरे सरकार प्यारे के लॉजिक के हिसाब से जो सबके सामने फिसला वो उसकी नजर में उभरा। कुछ पता चला? हाँ हाँ हाँ, प्यारे जब भी गया है जहाँ भी गया है सब पता करके लाता है सरकार, कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके लाया हूँ। क्या नाम है उसका? अंजू। आगे? आगे तो आपने ज्योग्राफी खुद ही देख ली है। लंबे लंबे बाल बंगाल के, सुडौल जिस्म यूपी का, गोरा रंग कश्मीर का, कली कली आंखें मद्रास की। ऐसा लगता है जैसे पूरा हिंदुस्तान एक ही सूरत में समा गया हो। अब तो सरकार इस हिंदुस्तान पर अपनी मोहब्बत का झंडा गाड़ दीजिए। कहां रह रही हो? हिस्ट्री बताती है शाहजहां की ये नूरजहां महाराष्ट्र की है। मेरा मतलब ये अंजू नाम की चिड़िया बंबई से उड़ते उड़ते शिमला पहुंची है। इस वक्त वो बिल्कुल अकेली है और वो शिमला रेस्ट हाउस में ठहरी हुई है। रेस्ट हाउस। जी क्या नहीं है? क्या नाम है? जी मेरा नाम शबनम है, लोग मुझे प्यार से शब्बू कहते हैं। जी शराब, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? जी क्या नाम है उसका प्यारे? अंजू। थैंक यू। अंजू। अंजू? या वो तो टेनिस कोर्ट में है। ओह थैंक्स अ लॉट, एनीवे आई लव यू। वैसे कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप माधुरी दीक्षित लगती हैं? कह भी कैसे सकता है क्योंकि आप लगते नहीं। वैसे मेरा नाम प्यारे लाल है, प्यार से मुझे पप्पू कहते हैं, पप्पू। क्या आप उनसे मेरी मीटिंग करवा सकते हैं? यानी मेरा कुछ नहीं, लानत है, मीटिंग करवा सकते हैं। अरे यस सर। कुछ कहोगे नहीं? अरे क्या कहूँ सर, मेरी तो कहने की शक्ति चली गई। क्या सूरत है प्यारे, क्या मूरत है सर। ऐसे कभी नहीं देखी यार, और बाद में कभी देखेंगे भी नहीं। बाहर है बाहर। प्यारे इस बाहर को मन के पिंजरे में कैसे कैप्चर करूं, क्या करूं प्यारे? करने को तो इस वक्त देश की मौजूदा हालत पे बहस की जा सकती है, खड़े खड़े 13 का पहाड़ा भी पढ़ा जा सकता है, इस टेनिस कोर्ट की लंबाई चौड़ाई नापी जा सकती है, और इस खूबसूरत लड़की को डिनर का न्योता भी दिया जा सकता है। Excellent idea. मैं इसको डिनर का न्योता देकर आता हूँ, आप खड़े खड़े 13 का पहाड़ा पढ़िए। 13 तो नहीं प्यारे। लीजिए, आपको ये 13 का पहाड़ा पूरा नहीं आता क्या? क्यों आता है ना, 13 के 13, 13 दुनी 26, 13 3 39। वेरी गुड। व्हाट? प्यारे अगर तुम चाहोगे तो काम बिगाड़ कराओगे। अरे सर आप फिक्र मत कीजिए, आप लाट साहब हैं, ये छोटे मोटे काम करना आपको शोभा नहीं देता। अजी डिनर की अपॉइंटमेंट क्या, इसकी मंगनी, इसकी शादी, बच्चों का मुंडन, मैं सब फिक्स करके अभी आया। प्यारे सर अगर कहीं गड़बड़ कर दी तो? अरे सर हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, प्यारे को आज तक किसी लड़की ने इनकार नहीं किया, ये क्या चीज है। अभी आया। मैंने कब इनकार किया? तो आज 8 बजे मॉन्ग यू में डिनर। ओके ओके बाय। वन फ्रेश लाइम विद सोडा प्लीज। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, ऑर्डर दिया है ले आओ। नहीं नहीं मैडम, मैं वेटर नहीं हूँ। तो कौन हो तुम? मेरा नाम है प्यारे, मेरा जन्म आज से 30 साल पहले
मध्य प्रदेश के पचमढ़ी जगह पर दिसंबर के 2 तारीख को सुबह 7:12 पे हुआ। सर, मैंने तुम्हारी हिस्ट्री नहीं पूछी, मैं पूछ रही थी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं यहाँ पर 2 सितारों का जमीन पे मिलन कराने के सिलसिले में आया था। क्या मतलब? देखिए, हमारे एक लाट साहब है जो हमारी आँख के तारे हैं, और एक आप है जो उनकी आँख का तारा बन गई है। अब इन 2 सितारों की किसी 5 सितारों वाली होटल की खाने की मेज पे मुलाकात करवाएं तो कुछ कहानी आगे बढ़े। लाट साहब, ये लाट साहब कौन है? देखिए, अब आपने पूछ लिया तो बताना मेरा फर्ज है। हमारे लाट साहब का जन्म आज से 25 साल पहले उत्तर प्रदेश की 12 बंकी जगह में 17 सितंबर को दोपहर के 2:22। अगर आपको उनकी हिस्ट्री पसंद नहीं है तो मैं उनकी ज्योग्राफी बताता हूँ। कद 6 फीट 1 इंच, वजन 80 किलो, और देखने में हॉलीवुड, इसीलिए लाट साहब। चाहते हो या पुलिस को बुलाऊं? शिमला में पुलिस और वो भी मेरे लिए? इडियट। सो काइंड ऑफ यू। लफंगा। थैंक यू, थैंक यू, बाय। क्या हुआ, जल्दी बता। अरे सर, होना क्या था, मैंने उसको ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई कि वो अपनी ज्योग्राफी भूल गई। यानी वो मान गई? ओ सर, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ऐसी कौन सी लड़की है जो प्यारे को इनकार कर सके। पर दूर से तो ऐसा लग रहा था कि वो नाराज है। वो थोड़ी मिलने की जगह पे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हाँ। वो कह रही थी कि शंकर विलास हिंदू होटल में मिले, और मैं सजेस्ट कर रहा था कि व्हाई नॉट माउंट व्यू। दैट्स गुड, मतलब अपॉइंटमेंट पक्का है। ओ सर, शाम को 8 बजे माउंट व्यू होटल में खुद ही टेबल बुक कराएगी और आपका इंतजार करेगी। खुद ही टेबल बुक कराकर इंतजार करेगी? बस थोड़ी सी एक बात का ख्याल रखिएगा। क्या मतलब? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी अजीब सी लड़की है। व्हाट यू मीन? देखिए, हो सकता है वो पहले नाटक करे, हो सकता है वो आपको देखकर पहचानने से इनकार। इम्पॉसिबल। दैट्स ऑल, वरना वो बड़ी मजाक पसंद है। मुझे कह रही थी स्टूपिड इडियट, मनवा ही लिया ना। वेरी नॉटी। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। दैट्स हेलो। हां, गुड इवनिंग। आई होप आई एम नॉट लेट, माय टाइम का बहुत पक्का हूं, आई एम वेरी पंक्चुअल। Nice place. I really like it here. It's beautiful. देखिए मिस्टर, ये टेबल मैंने बुक किया है। मैंने पूरा होटल बुक किया आपके खातिर। प्यारे ने मुझे बताया था कि आप मेरा इंतजार कर रही होंगी। प्यारे? वो पागल? मगर काम का आदमी। अगर वो नहीं होता तो हम कैसे मिलते? वैसे आपसे मिलने के बाद शिमला बहुत खूबसूरत लगने लगा है। क्या? आज से पहले विजय की जिंदगी में इतना ठहराव नहीं था। आपको गलत फहमी हुई है। गलतफहमी? आपके बारे में? कभी नहीं, इम्पॉसिबल। आज बहुत सारी बातें करने को जी जा रहा है, ऐसे कभी महसूस ही नहीं हुआ था। अरे आप तो सुना था, आज महसूस कर रहा हूँ, लव एट फर्स्ट साइट। व्हाट? आप यहाँ से शराफत से तशरीफ ले जाएंगे या मैं मैनेजर को बुलाऊं? अच्छा मजाक कर लेती हैं आप। पहले बुलाया फिर यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही हैं आप। हमें आपकी ये अदा भी पसंद है। मैं आपसे नहीं, अपनी सहेली रीटा से मिलने आई हूँ। वेलकम 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 वेलकम। आप रीटा जी हैं ना? जी। मैं प्यारे। प्यारे? इस होटल का मैनेजर। आप अंजू से मिलने आई हैं। जी। लेकिन आपके लिए उनका मैसेज, वो नहीं आ सकते, उनका एक अर्जेंट फोन कॉल होटल में आने वाला है, इसलिए वो आपका वहीं इंतजार करेंगे। अच्छा। आइए मैं आपको केक तक छोड़ के आऊं। जी मैं चली। ऐसी बातें करती हैं आप, एक होटल मैनेजर का फर्ज है कि वो अपने गेस्ट की देखभाल करे। वैसे आपकी शक्ल किसी फिल्म एक्ट्रेस से मिलती है। रीटा पादरी। रमा विच। यू फूल। की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। अरे भाई साहब, भाई साहब मेहरबानी कीजिए, इन बच्चों को गोद ले लीजिए, मेरे पास इनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बेकार हूँ, नौकरी नहीं है, घर बाहर नहीं है, सिवाय इन 5 बच्चों के। मैं अपना तो गुजारा कैसे भी कर सकता हूँ, मगर इन 5 बच्चों को तो मैं नहीं पाल सकता। ये बच्चे, ये नौनिहाल, ये देश का भविष्य है, मैं देश के भविष्य को अपने हाथों से जहर कैसे दे सकता हूँ। मेहरबानी कीजिए, देश के भविष्य को बचा लीजिए, इन बच्चों को गोद ले लीजिए। माई बाप, ये लड़की बहुत तेज भागती है, पीटी उषा बनकर एक दिन देश का नाम रोशन करेगी। ये लड़का, ये निकम्मा है।
इसको कुछ आता जाता नहीं, इसलिए इसके हीरो बनने के चांसेस हैं। ये थोड़ा झूठ बोलता है, बहुत बड़ा नेता बन सकता है माई बाप, बहुत बड़ा नेता। ये लड़का, अरे रे रे रे, इसकी तो आंखें बहुत तेज है, इनकम टैक्स में जाएगा तो बहुत नाम कमाएगा। और ये छुटकू, इसको क्रिकेट का शौक है। दूसरा गावस्कर, 31 सेंचुरीज और इंपोर्टेड कार लिखी है इसके हाथ में। ले लीजिए माई बाप, इनको गोद ले लीजिए, 5 रुपए किलो के हिसाब से ले लीजिए, मगर ले लीजिए। तो इस हाल में? अरे मैडम, जमाना बदल गया है, मजनू कोई और होता है और दर दर की ठोकरें किसी और को खानी पड़ती है। क्या हुआ मैडम? उस दिन आपने मेरे बॉस को होटल से निकाल दिया, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मेरा इस जालिम दुनिया से निकलने का वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन निकलने से पहले मैं अपने होने वाले 5 अनाथ बच्चों को ठिकाने लगा देना चाहता हूँ। मुझ पर रहम कीजिए, इनमें से 2-3 बच्चे आप गोद ले लीजिए। सुबह से एक भी बच्चा नहीं गया, और शाम तक अगर इनमें से सभी को ठिकाने नहीं लगा पाया तो मैं खुदकुशी भी नहीं कर पाऊंगा। खुदकुशी? हाँ मैडम, मैं आज शाम को 7 बजे के मेल से कटकर मरने जा रहा हूँ, और अगर 7 बजे वाली ट्रेन लेट हुई तो 8 बजे की एक्सप्रेस से मर जाऊंगा, मगर मुझे एक्सप्रेस से ज्यादा मेल पसंद है। बहुत सर फिरा है तुम्हारा बॉस। आशिक है ना आशिक। तुम्हें खुदकुशी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ तुम्हारे लाट साहब को। मेहरबानी कीजिए, उसके लिए आप ठीक शाम को 5 बजे लवर्स पॉइंट पर पहुँच जाइए, आप उनको देख लेंगे, वो आपको देख लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। थैंक यू, गुड लक। दिल मेरा जाने जा।
तूने दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा जान जा चुराया तूने दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा जाने जा अंजू जी से मिलने आए हैं। Of course. लेकिन वो तो कल बॉम्बे चली गई। बॉम्बे? जी हाँ। मेरे लिए कोई मैसेज? हाँ। बॉम्बे, पानी। ये लेटर आपके लिए। थैंक यू और ये आपके लिए। ओह थैंक यू। बाय। विजय, अचानक डैडी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं बॉम्बे जा रही हूँ। मैं तुम्हें इस पते पे मिलूंगी। क्या तुम बम्बई जा रहे हो? जी डैड। यार तुम हो बड़े मस्त कलंदर, कभी चंडीगढ़ तो कभी शिमले, कभी शिकागो तो कभी हांगकांग, ये बंबई जाने की अचानक कैसे सूझी? डैडी आप तो जानते हैं कि मेरा हर प्रोग्राम अचानक ही बनता है। कितने दिनों के लिए जाओगे? यूं ही एक दो हफ्ते के लिए। अच्छा और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। जी डैडी। तुम अब जाओ, बंबई एयरपोर्ट पर तुम्हें गाड़ी मिलेगी। थैंक यू डैडी। तो विजय बॉम्बे जा रहा है? हाँ यार, पता नहीं हमारे लाट साहब को बंबई जाने का भूत क्यों सवार हो गया। बच के संभल के काय मासी काय कस काय धंधा भरा काय चले साइकिल बाजू पे रखना साइकिल बीच में डालने टाइप साइकिल चले साइड पे ले चल आ बापू का बिंदास चले दोबारा दरिया गेला या मारे मस्तान बाबा आ गए ले बाबा मस्तान बाबा आ गए ले संभल के जरा हक है बाबा क्या बात है आज हर गाड़ी पे आ रहे ले अरे अभी गवर्नमेंट ने पेट्रोल इतना महंगा कर दिए लाए बगैर पेट्रोल का गाड़ी में आना पड़ रहा है चल दो गोली की छिलम बना चल अरे दो गोली की क्या बात कर रहे बाबा चार गोली की बना के रखी है आ, तेरे गले में सुराख कर देगा ज्यादा बात करेगा तो हक है इल्लल्ला यार अब तो सबका कारसाज है और बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है इल्लल्ला दर्द मोहब्बत की दवा कौन सी है और जिसमें मरता है जमाना वो अदा कौन सी है इल्लल्ला हाजी मलंग दूल्हा जन्नत के तेरा झूला लेना खबर उसी की जो माने ना कभी किसी की मलंग सोने का तेरा पलंग शंकर काटा रहे न कंकर जियो बादशाह जियो चले आज पार्टी ना चल झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम आज अंगूर के बेटी से मोहब्बत कर ले शेख साहब की नसीहत से बगावत कर ले
गुल 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 में गुल में तो पीने का मजा आता है, पीने वालों को ही जीने का मजा आता है। अबे तू चिलम बना यार। हेलो, गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, किसको ढूंढता है बॉस? अपन सब बताता है। आई एम एरिया किंग, आई मस्तान, आल मालूम। व्हाट ढूंढता है बॉस? अपन सब देगा बॉस। नो धोखा नो चीटिंग, चरस कच्ची केरी एकदम प्योर, गांजा अफीम पाउडर बॉस, डिस्को कैमरे कुछ नहीं मांगता बॉस, समझ गया बॉस। ये मांगता है बॉस एकदम प्योर माल है। वुड हाउस कौन? नमस्ते जी। हाँ? मेरा नाम विजय है, मैं शिमला से आया हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, किससे मिलना है आपको? जी मैं अंजू से मिलना चाहता हूँ। अंजू? जी हाँ, वो मुझे शिमला में मिली थी, उसने मुझे कार्ड भी दिया है। क्या ये कार्ड? हाँ हाँ बिल्कुल दुरुस्त है, मैं अंजू का पिता हूँ। तुम अंजू से मिलने आए हो? जी हाँ। आओ। ये रही तुम्हारी अंजू। ये कैसे हो सकता? होने को कौन डाल सकता बेटा। ये सब कैसे हुआ? मेरी बेटी है, दुर्घटना का शिकार हो गई। कब हुआ ऐसा? बहुत देर कर दी तुमने, अंजू को मरे 3 साल हो गए। 3 साल? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे कल ही तो मेरे साथ ही वो, और आप कह रहे 3 साल हो गए मरे? मैं नहीं मानता ऐसे, आई डोंट बिलीव इट। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है विजय बाबू? इन्हीं बूढ़े कांधों के सहारे अपनी बेटी की अर्थी उठाई है मैंने। लेकिन ये कैसे हो सकता है? पिछले 10 दिनों से मैं लगातार अंजू से मिलता रहा हूं, और फिर ये पता? बस बेटा, और अंजू की याद मत दिलाओ मुझे, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूं। अब मुझे मेरे आंसुओं के सहारे अकेला छोड़ दो। खोज रहे ले, आत्मा को खोज रहे ले, आत्मा को खोजने का है तो जंगल बयाबा में जा। काली रात काला आसमान, अरे मसानों की रौनक मकानों में किधर है? परछाइयों को ढूंढते ढूंढते तो खुद परछाइयों में खो जाएगा। चला जा यहाँ से, निकल जा, मौसम ठीक नहीं है, चला जा। सरदम सरदार का, बाकी सब माल मुर्दार का। वा, 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 वा। Thank you.
हैं, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। तू ही मेरा सहारा, एक तू ही मेरा सहारा। तू भी ऐसे रूठ गया तो कौन है मेरा, सोच जरा तो आजा के दिल। मरना चाहते हो क्या? जी जी क्या? रोड पे आते हुए जीप नजर नहीं आती तुम्हें? I'm sorry. सॉरी कहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इतनी रात गई हो अंधाधुनों की तरह भाग रहे हो? शराब पी रखी है क्या? जी नहीं। तो फिर पागलों की तरह क्यों दौड़ रहे हो यहाँ पे? जी मुझसे गलती हो गई, सॉरी कह चुका हूं मैं। नाम क्या है तुम्हारा? आप कौन होते हैं नाम पूछने वाले? मैं इंस्पेक्टर जयंत माथुर। I'm Vijay. कहां से आ रहे हो? शिमला। यहां कहां रहते हो? पाली हिल बांद्रा। इतनी रात गए आवारा गर्दी करोगे तो बंद हो जाओगे मिस्टर, समझे? ये शिमला नहीं बॉम्बे है। पता है। पता है तो फिर सीधे अपने घर जाओ, समझे? समझ गया, जा सकता हूं? जा सकते हो। मैं विजय। कौन विजय? अरे ये तो अपने विजय साहब हैं। माफ करना साहब, इसने आपको पहचाना नहीं। आइए साहब, आइए आइए, बहुत देर लगा दी, रास्ता भूल गए थे क्या? कौन है? इतनी रात गए हो, अल्लाह कर रहा है। बुला, ए बुला, छोटे साहब आए हैं। अरे छोटे साहब आप? अरे गोपाल साहब का सामान उतार ना। अरे खड़े खड़े क्या कर रहा है, जा। आइए साहब, आपके फोन के बाद तो बहुत देर तक जागते रहे। अभी अभी आंख लगी थी। बेडरूम कहाँ? जी सामने। चाय पियेंगे? सुबह कितने बजे जगा दूं आपको? जब मैं उठूंगा तब बुला लूंगा, तब तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। जी आप? मैं के एन सिंह। विजय साहब हैं? जी हाँ हैं। उनसे जाके कहो कि के एन सिंह मिलना चाहते हैं। मगर क्यों मिलना चाहते हैं? तुमसे जितना कहा गया है उतना ही करो। जी मगर उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन हम कहते हैं कि उनसे जाकर कहो। ठीक है, कह देते हैं। एक्सक्यूज मी, Can I help you?
गुड मॉर्निंग मिस्टर विजय। राय साहब ने यह 25,000 रुपए आपके लिए दिया है। एंड सर दस्तखत। ओके और कुछ? हाँ जरूरत हुई तो मैं बोल दूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके लड़की को चलता है, शाना बनता है, होशियारी करता है। चल बाहर दिखाता हूं तुझे। अरे मेरी मेरी बात तो सुनो। इट्स अ मिस इंस्पेक्टर साहब। क्या हो गया है विजय तुम्हें? कल रात को भी अंधाधुन भागते हो, मेरी जीप से टकराते हो, बचे हो और आज ये सब? वो लड़की? लड़की रात भी किसी लड़की की तलाश में तो? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? अच्छा आओ मेरे साथ। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उस लड़की को अंजू समझकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कौन अंजू? कहां मिली तुम्हें अंजू? मुझे शिमला में मिली। 3 दिन पहले उसे अचानक बॉम्बे आना पड़ा तो वो मेरा नाम खात और कार्ड छोड़ गई। अच्छा जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो 3 साल पहले मर चुकी थी। कमाल है, जिस लड़की को तुम 3 दिन पहले शिमला मिले, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि वो 3 साल पहले मर चुकी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अभी भी उसे वहां देखा था। आई सी। और कौन रहता है उसके घर में? उसके बूढ़े पिता हैं। बूढ़े पिता? तो मेरे काम करते हैं विजय, उसके बूढ़े पिता से जाके मिलते हैं और उससे पता करते हैं कि आखिरी चक्कर क्या। तू फिर आ गया? ये वो शहर है जहाँ सस्ता खून और महंगा पानी है। अपनी प्यास बुझाने का है तो अपने आंसू से बुझा। आंसू पी और जी, या फिर यादों की भूल भुलैया में अपनी वीरान मोहब्बत का काला ताजमहल बना। आगरा जा आगरा। कौन? जी मैं विजय। विजय सर तो? देखो विजय, मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूं कि अंजू अभी दुनिया में नहीं रही, फिर क्यों बार बार तुम मेरे जख्मों को कुरेदने चले आते हो? जी मैं अब मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट दीनानाथ जी। ये क्या है? मैं जैन माथुर, सीबीआई ऑफिसर। मुझे आपसे चंद सवालात करने हैं। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए। आप? मैं दीनानाथ, अंजू का बदनसीब पिता। क्या आप बता सकते हैं कि अंजू का स्वर्गवास कब? 3 साल हो गए। पूना जाते वक्त खंडाला में उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पर कब? 13 अगस्त 1988 खंडाला से उसकी लाश लाई गई यहाँ जे अस्पताल में। 12:30 बजे पोस्टमार्टम के बाद मुझे लाश मिली
और 7:30 बजे शाम को इन्हीं हाथों से मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। अब बोलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? देखिए दीनानाथ जी, हमें आपके दुखों का पूरी तरह एहसास है, लेकिन हम पुलिस वाले बिना सबूत के विश्वास नहीं करते ना किसी पे, यही कहना चाहते हैं ना आप? 1 मिनट। अंजू का डेथ सर्टिफिकेट, ये अखबारों की कतरने और ये एक्सीडेंट का फोटो। अब तो यकीन आया आपको? दीनानाथ जी, आपके इन सारे सबूतों से साफ जाहिर है कि अंजू को मरे हुए 3 साल हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई जुड़वा बहन हो? मेरी कोई दूसरी औलाद नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो बस एक ही सहारा थी अंजू, उसे भी इस निर्दयी भगवान ने मुझसे छीन लिया। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बार बार अंजू के सवाल करके मेरे इस बूढ़े की बची कुची सांसों को अजीर्ण मत बनाइए। लेकिन दीनानाथ जी, बात ऐसी है कि देखिए विजय बाबू, जो लड़की आपको शिमला में मिली थी कोई और होगी, अंजू तो चली गई, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अगर वो ये चाहती कि मैं अकेला रहूं तो रहने दो मुझे अकेला, जाइए आप, छोड़िए मेरा पीछा, जाइए, चले जाइए आप। तुम्हें अभी यकीन है विजय के वंजू ही थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या यकीन करूं, अपनी आंखों का या इनकी बातों का? अरे पहले मैं बोला था तो नहीं समझा? समझना भी एक समझ है, ना समझे वो अनारी है, राज कपूर बेगानों के शहर में भटक रहे ला है। अरे इधर सब बेगाने, कोई हमदर्द नहीं है। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप, काला नाक, दसेगा तो पानी भी नसीब नहीं होगा। निकल ले लाल गाड़ी पकड़ के, जाके खेती बाड़ी। अरे अपने आदमी विजय, विजय पागल है ये, छोड़ो। छोड़ दे बोलता है ना तेरे को, जाओ छोड़। आओ विजय आओ। ये तू खड़े क्या कर रहा, चिलम बना, ये नहीं समझेगा अपने को, जब टाइम आएगा सब समझ में आ जाएगा। विजय मेरी एक बात मानो, तुम ऐसा करो, देखो तुम एक भले आदमी हो, ये अंजू के चक्कर में ना पड़ो और शिमला वापस चले जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। एंड थैंक्स फॉर द लिफ्ट। इट्स ओके, थैंक यू, टेक केयर विजय। आई'ल ट्राई। बाय। क्या कहा, विजय अभी तक नहीं लौटा? देखिए सिंह साहब, जब तक वो नहीं लौटे आप उसके इंतजार कीजिए बंगले पे, समझे? अब जवानी का जोश है, कुचल लड़पन है और मूडी तो वो हमेशा से रहा है। तो सिंह साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी गैर मौजूदगी में आप उसका पूरा पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आप सिर्फ मैनेजर थोड़े ही हमारे भाई, हम तो आपको अपनी फैमिली का एक मेंबर भी समझते हैं, समझ गए आप? अच्छा, थैंक यू। राय साहब, आप तो इस कदर परेशान हो रहे हैं जैसे विजय कोई दूध पीता बच्चा हो। अजी जवानी के दिन है और फिर पहली बार बंबई गया है। यार मगर फोन तो कर सकता था, जब फोन करो मालूम हुआ साहबजादे हैं ही नहीं घर पे। यार कहीं इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं है? बेटा अगर बाप के नक्शे कदम पर चले तो इसमें बुराई भी क्या है? हैं हुजूर, आपने अपनी जवानी में कोई कम गुल खिलाए थे? आजाद पंछी की तरह उड़ते फिरते थे आप, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर, माशाल्लाह मौका मिलने पर तो आज भी ना चूके आप। अजी विजय के उड़ने के दिन है, उड़ने दीजिए, शादी हो जाने पर अपने आप पर कतर जाएंगे। मगर यार नवाब, तुम तो जानते हो कि ये उम्र कितनी नाजुक होती है, हम नहीं चाहते कि जो नादानियां हमसे जवानी में हुई उन्हें विजय दोहराए। तुम्हें तो याद होगा कि शादी के बाद भी सही तक ढूंढने की हमने कितनी कोशिश की, नहीं मिली, पता नहीं ये जिंदा भी है कि नहीं, बहुत याद आती है कभी कभी।
पुरानी यादों में ही खोए रहेंगे आप या चाल भी चलेंगे? यार आजकल चाल तुम बड़ी अच्छी चलने लगे हो, यानी बच निकलने का तुमने कोई मौका ही नहीं छोड़ा। ये तो खूबी है मुझमें, मौका मिलने पर सही चाल चल देता हूँ। यानी हम अपने बेटे के चक्कर में उलझे रहे और आपने मौका ढूंढ निकाला। अच्छा रहता, इजाजत चाहूंगा। जाओ। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहा हूँ। सुबह से राज साहब आपको टेलीफोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप मिले ही नहीं। ठीक है, मैंने कांटेक्ट कर लिया। विजय, मेरे सामने ही बात कर लो तो अच्छा है। जरूरी है? ऑर्डर है। क्या? हेलो, डैडी। कहाँ हो बेटे तुम? कितनी देर से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी डैडी, थोड़ा बिजी था। ये तुम्हारी आवाज में घबराहट क्यों है? ऐसी कोई बात नहीं डैडी। देखो तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते बेटे, मैं तुम्हारे हर मूड को जानता हूँ। तुम्हारी आवाज में जरा सी लर्जिश आई और मैं ताड़ गया। क्या बात है, क्या छुपा रहे हो? आई नो लव, इश्क विश्क का मामला लगता है। है भी और क्या मतलब? एक लंबी दास्तान है डैडी। अरे भाई तरसाओ नहीं मुझे, वरना नींद नहीं आएगी हमें। हाँ डैडी, फिर कभी। तरसाओ मत मेरे लाल। हेलो 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 विजय, मैं अंजू बोल रही हूँ। अंजू, मैं अभी तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम्हारे डैडी ने कहा कि तुम कि मुझे मरे हुए 3 साल हो गए हैं। उन्होंने मेरा डेथ सर्टिफिकेट और पेपर के कटिंग्स भी दिखाए होंगे और तुमने यकीन कर लिया। लेकिन तुम थी कहाँ? बॉम्बे पहुँचते ही मुझे अचानक पुणे जाना पड़ा। लौटते ही सबसे पहले तुम्हें फोन कर रही हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता? दो बार मैंने तुम्हें यहाँ देखा, मैं तुम्हारा पीछा भी किया मगर तुम असली हो। विजय, ये तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारी आशिकी का कसूर है। जो भी हो, मैं तुम्हें अभी इससे वक्त मिलना चाहता हूँ। अभी नहीं, 2 घंटे बाद जूलियट पार्क में मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे मिलने इतनी जल्दी बॉम्बे चले आओगे। विजय, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये सब क्या हो रहा है? क्या? तुम्हारे डैडी तो कह रहे कि तुम मैं मर चुकी हूँ, यही ना? विजय, ये एक लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगी। कब मिलेगी फुर्सत? ये सब चक्कर मेरे समझ में नहीं आ रहा। ओहो विजय, उन्हें अमीरों से नफरत है। क्यों? क्योंकि वो अमीर नहीं इसलिए। विजय, तो फिर क्या अमीर होना पाप है? ऐसी बात नहीं है विजय। अंजू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ विजय, तो फिर? लेकिन जिस औरत ने मेरे डैडी को धोखा दिया वो भी 1 करोड़पति की इकलौती बेटी थी। कौन थी वो औरत? मेरी माँ। माँ? हाँ, मम्मी डैडी ने कॉलेज के जमाने से ही भागकर शादी कर ली। जब तक पैसे थे मेरी माँ की मोहब्बत भी खुशियों में डूबी हुई थी। वक्त गुजरता गया, बंगले में रहने वाली करोड़पति की बेटी खत्म, 2 कमरों के फ्लैट में घुटने लगा। फिर? उसने खत लिखकर अपने डैडी को बुला लिया और उनके साथ चली गई। फिर उसने एक दिन जिस तरह खत और पार्सल पोस्ट से आते हैं बस उसी तरह एक बच्ची को डैडी के दरवाजे में डाल दिया और लिख दिया कि उसे भूल जाओ, और वो बच्ची मैं थी। मैं तरह सोचो विजय, एक माँ अपनी बच्ची को इस तरह छोड़कर। रो मत, रो मत अंजू, मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारा और तुम्हारे डैडी का दर्द, लेकिन हर दौलतमंद तो तुम्हारी माँ की तरह नहीं होते। पर उन्हें डर लगा रहता है फिर कोई अमीर ज्यादा आकर उनकी बेटी को ले जाएगा और किसी दिन उनके दरवाजे। क्या मैं ऐसा हूं? नहीं, मैं जानती हूं विजय, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो चलो मैं तुम्हारे डैडी से चलकर बात करता हूं, अगर उन्हें तसल्ली के लिए मेरी गारंटी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। वो ऐसे नहीं मानेंगे विजय, कुछ दिन और गुजर जाने दो, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगी। कब?
तुम्हारे साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला। कल फिर मिलेंगे, ओके? तूफान आने वाला, चलो मैं तुम्हें छोड़ा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अगर दारी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। और तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। अरे जानता वनता कुछ नहीं हूँ। इज अ ब्रिलियंट एक्टर, ऐसा ड्रामा राजा कि फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि मैं मर चुकी हूँ। रात काफी हो चुकी है, दारी परेशान होंगे, मैं चलती हूँ। अंजू, जाने से पहले ये तो बताती जाओ कि दोबारा कहाँ मिलोगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तलाश में मैं। अब ऐसा नहीं होगा। सच? कल मैं फोन कर लूंगी। बाय। कम ऑन विजय, से बाय। बाय। समझिए वो क्या है कि अंजू के पास मेरा ओफो, फिर अंजू, ये क्या तमाशा बना रखा है तुमने? रात के 2 बजे तुम अंजू की तलाश करने आए हो? मैंने तुमसे कई बार कहा है कि अंजू को मरे 1-2 दिन नहीं, 3 साल हो चुके हैं, 3 साल। बहुत झूठ बोल चुके हैं आप। अंजू जिंदा है और इसी दुनिया में है, और आपको यह सुनकर ताजुब होगा कि आज वो मेरे साथ थी और अभी अभी मैंने उसे यहां छोड़ा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे इस घर में आते हुए देखा है, और आप कह रहे हैं कि 3 साल में अंजू को मरे? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं अंजू से प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप नहीं चाहते कि हम दोनों मिले। अरे मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा, जबकि अंजू इस दुनिया में ही नहीं रही। आप कैसे पिता है जो अपनी जिंदा बेटी को मुर्दा कहते हैं, और तुम कैसे आशिक को जो एक मुर्दा लड़की को जिंदा समझते हो? पागल हो गए हो तुम? पागल तो आप है जो अपने चारों तरफ झूठ की दुनिया बसा रखी है, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं वो सच है। अंजू ने मेरा कोट पहन रखा है और अनजाने में मेरी कार की चाबी ले आई है। कार की चाबी? क्या बात है, खामोश क्यों हो गए? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अंजू मर चुकी है। तुमसे पहले भी 2 लड़के इसी तरह अंजू की तलाश में यहां आए थे। अंजू उनके पास से भी कुछ ना कुछ चीजें उठा लाती थी, जैसे तुम्हारी चाबी। वो अंजू नहीं, उसकी आत्मा है, आत्मा। मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। मत भागो एक आत्मा के पीछे, पागल हो जाओगे, पागल। कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता। एक दिन का रोना हो तो रो के सब्र कर लेता, लेकिन अब तो ये आए दिन का किस्सा बन गया है। मुझे किस्सों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे भाई, तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? तुम्हें लगता है कि मैं कोई नाटक कर रहा हूं? तो आओ आओ, ढूंढो अपनी अंजू को। कहां देखो, यहां देखो, वहां देखो, आओ ढूंढो अपनी अंजू को। यहां देखो, Oh!
मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बतावया, रमैया बतावया। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ खो गया, एक तारा न जाने कहाँ खो गया। दुनिया वही, दुनिया वाले वही, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया, कोई क्या जाने किसका जहाँ लुट गया। रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, रमैया बतावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, रमैया बतावैया। एकदम माल बेकार, एकदम माल बेकार लेके आया है। किधर से लाया? ये मुन्ना चमार का माल लाया है। ये तन्ना तो रंडी करिया ना ही बोल। क्या इन्हें और कड़ला? जस्ती शांतपति कर रहा है क्या? चले बच्चा, तीन टेशल चाला पानी रोक के और दूध ठोक के। बाबा, ये नया बोल बच्चन अपन के समझ में नहीं आ रहा बाबा। अबे पानी रोक के और दूध ठोक के मतलब पानी कम चाय। क्या बाबा घुमा फिरा के बात कर रहा है तुम है? अबे घुमा फिरा के बात नहीं करेगा तो ये दुनिया वाले मस्तान को घुमा फिरा देंगे। बाबा एक मुद्दे की बात पूछना था। अबे पहले तू ये बोल के सो रहे लाए के जाग रहे ला। इसको सोते में भी मुद्दे की बात याद आती। चल बोल आगे बोल। चल पहले तो यहाँ एक चिकना आता था, अब दो दो चिकने आने लगे। बात तो ये एकदम पते की बोल रहा है। सही बोल रहे ला। एकदम पते की बात बोल रहा है। अब मालूम करना ही पड़ेगा कि उसका बाप कौन है और उसकी माँ कौन है। ओम दुराय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम ईशानाय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। डैडी नमस्कार। श्राद्ध हो रहा है? जी डैडी। मुझे मालूम था कि तुम अपनी माँ की बर्ची को नहीं भूलोगे। पंडितों की आवाजें आ रही। वैसे आज सुबह सवेरे मैं भी मंदिर गया था और पंडितों को बैठा कर आया हूँ। डैडी मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। मुझे भी मेरे बेटे। तुम लौट आओ। तुम्हें मालूम है कि आज के दिन तुम्हें मेरे करीब होना चाहिए। आज के दिन मैं टूट सा जाता हूं। डैडी। हाँ हाँ बेटे। डैडी मैं आपको बाद में फोन करूंगा। कोई बात नहीं, तुम बाद में टेलीफोन कर लेना। जी मेरी पूरी नजर है उस पर, मालूम करता हूं। अच्छा पहुंच जाऊंगा। विजय माथुर साहब आप यहां? हाँ भाई जरा ड्यूटी पर हूं। अच्छा एक्चुअली मैं भी। अरे भाई नए साल को पकड़ने की इतनी जल्दी क्या है? जल्दी तो है, अंजू मिल गई है। अंजू मिल गई? इसी होटल में है वो। अच्छा हाँ आप आइए तो सही।
करूंगी तुझको इशारा अभी नहीं आ रहा बजने दे बारा तब मैं करूंगी तुझको इशारा Yeah.
तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं विजय। अगर वो अंजू नहीं है तो इस तरह गाने के बाद गायब नहीं होती। विजय वो तुम्हें देख के गायब नहीं हुई, वो गायब इसलिए हुई है कि गाने के बाद पब्लिक परेशान करती है। आप मेरी बात मानते क्यों नहीं है? अच्छा भाई चलो मैनेजर से मिलते हैं और उसे पूछते हैं कि मोना कौन से रूम में है। आओ। एक्सक्यूज मी। यस। आई एम सीबीआई ऑफिसर जैन माथुर। फरमाइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ये मिस मोना। क्यों कोई गड़बड़? नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, बस उनके बारे में कुछ मालूमात करनी थी। जी फरमाइए। ये मिस मोना आपके यहाँ हर साल न्यू नेट पर आती हैं। गोवा की डांसर हैं। हमारे होटल का प्रोग्राम इन्हीं की वजह से काफी सक्सेसफुल रहता है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? दरअसल वो शो के बाद किसी से नहीं मिलती हैं। हमें उनसे खास काम है। सरकारी? कुछ यूं ही समझ लीजिए। रूम नंबर 210 में है। हमें अंजू? I'm sorry. मेरा नाम अंजू नहीं मोना है। लगता है आप किसी गलत कमरे में आ गए हैं। झूठ बोल रही हो तुम। तुम मोना नहीं हो सकती, तुम अंजू हो। अंजू तुम मुझे शिमला में मिली थी। शिमला? मैंने कभी शिमला में प्रोग्राम नहीं किया और ना ही शिमला गई हूँ। मैं तो गोवा की रहने वाली हूँ, वहाँ की मशहूर डांसर मिस मोना। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर यकीन ना आए तो होटल के मैनेजर को बुलाकर पूछ सकते हैं आप। होटल के मैनेजर को पूछने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम अंजू हो। वाह विजय, देखिए आप इन्हें गलत समझ रही हैं। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और इनकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। दरअसल जिस लड़की का जिक्र कर रहे हैं उसकी शक्ल आपसे हूबहू मिलती है। कहीं आपकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है? जी नहीं। अच्छा ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। थैंक यू। कम विजय। मैं कैसे यकीन करूं जब अंजू नहीं है? विजय तुम एक आत्मा का पीछा कर रहे हो। शी इज नॉट। I'm sorry, वो आत्मा नहीं है। मैंने उसे बातें की है, उसे छुआ है, उसे महसूस किया है। ओके, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन दीनानाथ अपनी बेटी को मुर्दा कैसे कह सकता है? I don't understand. I just don't understand. मेरे को समझ में नहीं आ रहा। विजय तुम्हारी बातें एक कहानी और एक अफसाना लगती हैं। अब देखो ना, दीनानाथ ने डेथ सर्टिफिकेट दिखाया, अखबारों की कटिंग्स दिखाई हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि अंजू मर चुकी है। विजय आई डोंट बिलीव इट। अगर देखो तुम ऐसा करोगे ना तो तुम एक अपने लिए बहुत बड़ा खतरा ले रहे हो। विजय ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कम चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ आता हूं। एक मिनट, तुम जरा कार तक चलो, मैं अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देकर आता हूं। अनारकली से मिलने आया है। तेरी अनारकली तेरे को नहीं मिलेगी। जिसको तूने देखा दरअसल वो तेरी अनारकली नहीं है, चंपा कली है। चंपा कली वो समझा के नहीं। तेरी अनारकली तो अकबर के शिकंजे में, अकबर के शिकंजे में। अकबर ने तेरी अनारकली को कैद कर दिए ला और सलीम को बेहोश करके अनारकली के साए के पीछे लगा दिए ला। कुछ समझा के नहीं समझा? ये मान सिंह बोल रहे ला। मान सिंह समझ समझ कर, समझ समझना, समझ समझना भी एक समझ है ना। समझे वो अनारी है। इलला हैप्पी न्यू ईयर। दिल की लगी बुझा दे अजमेर वाले खाजा। दिल की लगी बुझा दे अजमेर वाले खाजा। अरे इसकी उलझन सुलझा दे अजमेर वाले। आई एम सॉरी तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। क्या सोच रहे हो? मस्तान आया था। कौन मस्तान? वही जो अंजू के घर के नीचे रहता है। कुछ बोला? काफी कुछ बोला पर मेरे को समझ में नहीं आया। खैर छोड़ो, तुम कहां पागलों की बातों पर ध्यान देते हो। तुम घर चलो। चलो तुम भी तो चल रहे थे। नहीं क्या है कि वो आज नए साल की रात है ना, कोई
गड़बड़ ना हो जाए। तुम चलो फिर मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। गोरे गोरे गालों ने वहीं वहीं पे मारा है हुस्न वालों ने, इन्हीं के मारे हुए हम भी है जमाने में। जा, ये पीछे से किसने पुकारा? पीछे से आवाज देने का बोल क्या है? तुम होटल में क्यों गए थे? होटल में? होटल में आदमी के लिए जाता है? न्यू ईयर नाइट है, न्यू ईयर नाइट मनाने गया था। न्यू ईयर नाइट? और तुम क्या? न्यू ईयर नाइट सिर्फ हम लोग के लिए? हम गरीब लोग का नहीं है क्या? तुमने विजय से क्या बकवास की थी? विजय? कौन विजय? वही विजय जिसे तुम होटल में मिलके आ रहे हो। अच्छा वो विजय? कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, मगर अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। अरे अरे गिरबान छोड़, बीमार आदमी है, गिरबान छोड़ के बात कर। मस्तान की भी कोई इज्जत है यार, कोई देखा तो नहीं? अरे अपुन ने सिर्फ इतना बोला था हैप्पी न्यू ईयर, बस और क्या? सच सच बताओ तुम क्या क्या जानते हो? अरे अपुन तो सब जानता है। क्या? पूरा बंबई जानता है। खाने के लिए बांद्रा का तवा, देखने के लिए रानी बाग, और घूमने के लिए चौपाटी। चल चौपाटी में मानेश्वर के आते, चल चुप। चल अगर आज के बाद तुमने विजय को तंग किया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? अंजाम तो वाकई अच्छा नहीं होगा। बोला राजू? हाँ जी। गोपाल जी? साहब जी। ये कोट यहाँ कैसा है? बोला मुझे क्या पता साहब, मैं तो अंदर का नौकर हूँ, बाहर के तो ये दोनों। साहब मैं तो गेरी से लेकर गाड़ी तक ये तो ये। हाँ मैं बाहर का काम करता हूँ ठीक है, पर ये कोट तो अंदर का है। बकवास बंद करो, मैं पूछ रहा हूँ ये कोट यहाँ आया कैसे? सो रहे थे क्या तुम लोग? बोलते क्यों नहीं? बोला साहब रात के 3:30 बजने को आ गए, और फिर चारों तरफ नए साल का हंगामा, मैं अंदर, वो गैराज में, वो अपनी झोपड़ी में, भला कैसे पता चलेगा कि ये कोट यहाँ कैसे आया?
तुम्हारे झूठ फरेब और इस नाटक का इससे बेहतर मेरे पास और कोई जवाब नहीं। तुम शायद ये तमाचा भूल जाओगे लेकिन मुझे उम्र भर याद रहेगा ये, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है। मैं नहीं जानता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक घिनौना रूप है तुम्हारा। क्या मिला मेरी जिंदगी मेरी मोहब्बत मेरे जज्बातों से खेलकर? मैं मजबूर थी विजय। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने मेरे सपनों के महल को चकनाचूर कर दिया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया विजय, मैं भी तुम्हारे लिए इतना ही तड़पती रही हूँ जितना कि तुम। मैं ना तो कोई आत्मा हूँ और ना ही मोना, मैं तुम्हारी अंजू हूँ, अंजू। बस अब मुझसे और कुछ मत पूछना, मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो गजब हो जाएगा। किसने देख लिया? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बताती क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी जान खतरे में है। मेरी जान? तो मेरी जान की फिक्र मत करो, मुझे उस आदमी का नाम बता दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर मैंने उसके बारे में कुछ कहा तो वो मेरे भाई को। तुम्हारा भाई? मेरा छोटा भाई उसकी कैद में है। आज तक मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाता रहा और मैं उसके इशारों पर नाचती रही। किसकी? अगर अब भी तुमने उसका नाम नहीं बताया तो मैं अपनी, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मदद नहीं कर सकूंगा। प्लीज अंजू बता दो। सीबीआई ऑफिसर जयंत माथुर। जयंत माथुर? अरे विजय, ये अचानक मेरी याद कैसे आ गई? आओ। थैंक यू। आओ। यहां से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चला जाऊं। क्वाइट अ नाइस प्लेस। थैंक यू। कोक? थैंक्स, अभी चाय पी के ला रहा हूं। अरे भाई कमाल है, पहली दफा घर आए हो, आखिर इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत है? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं। एयरपोर्ट? कौन आ रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं तो फिर मैं शिमला वापस जा रहा हूं। कब? कल शाम की फ्लाइट से। अरे लेकिन अचानक? जिंदगी में हर फैसला मैंने अचानक ही किया है। शिमला से बॉम्बे अचानक आया हूं, यहां से शिमला अचानक जा रहा हूं, इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है। और उस लड़की के बारे में क्या सोचा है तुमने? बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपकी बात मुझे पहले ही मान लेनी चाहिए थी। आप ठीक ही कहते, देख के उस लड़की का चक्कर छोड़ो और शिमला वापस चले जाओ। मैं ही बेवकूफ था जो नजरें होकर भी अंधों की तरह अग्निपथ पर चलता रहा। अब मैं सब समझ चुका हूं कि वो सब मेरी नजरों का धोखा था। एनीवे मैं आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बस यही कहने आया था। अच्छा चलता हूं। मैं अमर बोल रहा हूँ, विजय कल शिमला आ रहा है। क्या उसे हमारे प्लान का पता तो नहीं चल गया? मुझे लगता तो नहीं है। देखो वो शिमला पहुंच जाएगा तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, उसे वहीं खत्म कर दो अगर रोक नहीं सकते तो। नहीं, अगर उसे खत्म ही करना होता तो मैं उस दिन कर देता जिस दिन वो बॉम्बे आया था। उसके खात्मे से मेरा मकसद हल नहीं होता। बेवकूफी मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ 4 दिन की मोहलत देता हूँ, 4 दिन में काम हो जाना चाहिए वरना मुझे बॉम्बे आना पड़ेगा। हेलो सर, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर कल हमारे होटल के वेटर ने रात 3:30 के करीब विजय को होटल की लॉबी में जाते हुए देखा। विजय का इतनी रात होटल की लॉबी में जाना, सर मुझे शक है कि कहीं विजय। शक नहीं, यकीन है मुझे। ये देखो तुम्हारी गलती का नतीजा। सुनो सुनो, तुम बोलते क्यों नहीं?
सुनो। अब ये कभी नहीं बोलेगा क्योंकि मैंने इसे खत्म कर दिया है। नहीं। ये तुमने क्या कर डाला? इस मासूम बच्ची को मार डाला। मैंने तो इसकी आजादी मांगी थी और तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या मिला तुम्हें इसे मारकर? बोलो क्या मिला? मैं तो अपना भाई खो बैठी, सब कुछ खो बैठी, सब कुछ खो बैठी। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा एक भी गलत कदम तुम्हारे भाई की मौत बन सकता है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? रो मत, तुम्हारा भाई जिंदा है। क्या? मेरा सोनू जिंदा है? मेरा भाई जिंदा है? एक मासूम भाई की मौत क्या होती है यह एहसास दिलाना था तुम्हें। मैंने इसे सिर्फ एक घंटे के लिए बेहोश किया है ताकि तुम मेरे साथ दोबारा नादानी ना कर सको। अगर इसके बाद भी तुमने मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारा भाई जिंदगी भर होश में नहीं आएगा, समझे? अब जाओ और जाकर विजय से कहो। विजय, तेरी मम्मी के बाद अगर इस दुनिया में मेरा कोई अपना है तो वो है मेरा छोटा भाई सोनू, जिसकी खुशी के लिए मैं हर तकलीफों को सहती रही और उसके माथे पर बल ना आने दिया। आज वही छोटा भाई माथुर के कैद में है। अगर उसे कुछ हो गया अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम फिक्र मत करो, सोनू को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो तुम ही मेरी उम्मीद की आखिरी किरण हो, तुम ही मेरा सहारा हो। रो मत अंजू, मुझ पर भरोसा रखो। मैं उस माथुर को नहीं, विजय तुम माथुर को कुछ मत करना वरना वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। माथुर कल बॉम्बे से बाहर जा रहा है, तीना नाथ अकेला है, तुम उसके जरिए मेरे भाई तक पहुंच सकते हो। तीना नाथ? यस। दीनानाथ कहाँ है? कौन दीनानाथ? इस नाम का कोई आदमी आने रहता, लगता है तुम किसी गलत पते पर आ गए हो। पता वही है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं और चेहरे बदलने से पता नहीं बदलते। नहीं मालूम। बता साले। नहीं मालूम। बता। छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। नहीं मालूम। I said stop it। छोड़ो। अच्छा हुआ साहब आप आ गए, वरना ये मेरे को मार डालता था साहब। ये मालूम होता है पागल है। He is mad sir। He is mad। झूठ बोलता है ये। God promise साहब, मांगता है तो इन लोगों से पूछ लो। हम सब लोग घर में बैठकर एंजॉय कर रहा था साहब और ये साला पागलों की तरह आकर मारामारी तोड़ करने लगा साहब। आप इसकी बात तो मैं बताइए इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रहा है, ये दीनानाथ का घर है। मैं मांगता है तो प्रूफ देता है साहब। हम लोग इधर 20 साल से रहता है, यहाँ ना दीनानाथ नाम का कोई आदमी था ना है साहब। कौन दीनानाथ? उसके बारे में मैं नहीं जानता, पर इसके जरिए हम अंजू के भाई तक पहुंच सकते हैं इंस्पेक्टर। ये अंजू कौन है? इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। लगता है इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, ये पागल है। पागल? ये न्यू ईयर नाइट को भी मेरे पास आया था किसी सीबीआई ऑफिसर के साथ। सीबीआई ऑफिसर? कौन था वो? माथुर, ये जानती हो उसे? मैं जानती हूँ। वो आदमी तुम्हारे साथ आया था और मैं उसे जानती हूँ। अंजू ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा नाम अंजू नहीं मोना है, मोना। और सुनो मिस्टर, तुम्हारी ये आए दिन की खिटखिट से तंग आ चुकी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाकर इस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने वाली थी। अच्छा हुआ आप इसे यहाँ ले आए, कम से कम इसे मेरा पीछा तो छूटेगा। अंजू? इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पागल है। आप पहले इसको किसी पागल खाने में ले जाकर इसका दिमाग ठीक करवाइए। चलो। गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अपने सुकून के लिए।
क्या बिगाड़ा है विजय ने तुम्हारा? उसने क्या बिगाड़ा है और क्या संवारा है, पल पल का हिसाब इस दिल में लिखा हुआ है, चुन चुन के हिसाब लूंगा उससे। आखिर आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता यही हूं कि वो पागल हो जाए, पागल हो जाए वो। मैं पागल नहीं हूं, छोड़ो, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं। नहीं हूं मैं पागल। He is mad, sir. दीनानाथ का है? मैं कोई दीनानाथ को नहीं जानता। तो फिर किसके लिए काम करता है? माथुर के लिए? माथुर? कौन माथुर? कौन माथुर? मैं माथुर के लिए नहीं, पीटर के लिए काम करता हूँ। उसने ही मेरे को बुला था तुम्हारे पे नजर रखने के लिए। इस वक्त पीटर कहाँ होगा? उसका एड्रेस तो नहीं मालूम, वो सेंट जॉर्ज चर्च में मुझे रोज मिलता है। दिखता कैसा वो? उसके सर पे बाल नहीं है, उसके साथ एक लड़की होती है जिसके बालों में लाल गुलाब होता है। वो पागल हो चुका है। पुलिस का कहना है विजय पागल हो चुका है। वो पुलिस के हाथों से भी फरार हो चुका है, अभी तक कोई पता नहीं चला। मैं तलाश कर रहा हूं। ओके। हेलो अमर। हाँ बोल रहा हूं। कहां थे तुम? कब से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम काम की बात करो। विजय अस्पताल से भाग चुका है। क्या? स्वामी कहां था? स्वामी जख्मी हालत में मिला है। देखो तुम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हो, अब मुझे क्या करना है ये मुझ पे छोड़ दो, कोई गलत कदम मत उठाना, समझे? ठीक है। और अंजू? अंजू अभी भी हमारी कैद में है, अब दौलत मेरे हाथ लगने में ज्यादा दिन नहीं रहे, होशियार रहना। ओके ओके। तुमसे मना किया था कि यहां कभी मत आना, अगर किसी ने देख लिया तो? क्या करते साहब, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? वो रई साहब आगे थे। क्या? राय साहब आ गए। राय साहब हर नौकर को पहचानते हैं ना, इसीलिए हम लोग वहां से भाग निकले। बहादुर भोला का है वो, तो जब से पुलिस आई है डर के मारे काम पर नहीं आए। ठीक है तुम जाओ। ठीक है सर। अब आया हूं पहाड़ के नीचे भाई साहब। What utter rubbish! वो पागल हो ही नहीं सकता। ये कानून कैसा है आपका? एक समझदार नौजवान लड़के को, पढ़े लिखे लड़के को आप किसी जलील गुंडे के कहने पे पागल करार कर दें और एक मेंटल हॉस्पिटल में ले जाएं? हैं? ये हिम्मत आपकी? एक एक की खबर लूंगा मैं, इंस्पेक्टर एक एक की, समझे? आइए आइए सिंह साहब, सुबह से कम 150 फोन में आप कर चुका हूँ और आपने एक फोन करने की जहमत गवारा नहीं की। कहाँ गए ये नौकर लोग? सुबह से इन दीवारों से सर टक्करा रहा हूँ मैं अपना। और ये साहब कौन है? जी मैं जयंत। जयंत कौन? आप भी पुलिस वाले हैं क्या? जी नहीं, मैं विजय का दोस्त हूँ और हम दोनों साथ ही अमेरिका में थे। विजय के दोस्त हो? जी हाँ। तो यूं खड़े क्यों? आओ आओ बेटे, आओ बेटे। थैंक यू। विजय घर पे नहीं है? तुम्हें पता नहीं क्या? यही कि यहाँ की कमबख्त पुलिस ने उसे पागल करार कर दिया है। पागल और विजय? पता ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई किसी जलील गुंडे ने कंप्लेंट की और पुलिस ने जाके मेरे लाडले को पकड़ लिया और एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करने ले जा रहे थे कि वो भाग निकला। तुम कब मिले थे उससे? जी यही कोई 5-6 दिन पहले। तो कैसा था? जी बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था। डिस्टर्ब?
जी हाँ। किस बात पे? जी मैंने पूछने की कोशिश तो की थी लेकिन टाल गया और कहने लगा कि ये मेरा पर्सनल मामला है। ये पर्सनल मामला क्या हो सकता है? कुछ सुझा ही नहीं दे रहा। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे पूछा था कि आप सारे दिन कहां रहे, आपने जवाब तक नहीं दिया। आप इनसे बात कर रहे थे? जी हाँ मैं इनसे बात कर रहा था मगर अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ तो इजहार फरमाइए। मैं होटल मोना के होटल में गया था। कौन मोना? वही जो वहाँ पर डांसर है जिससे विजय साहब न्यू ईयर नाइट पर मिलने के लिए गए थे। डांसर? कौन सी डांसर? वही डांसर जो कि विजय साहब के पागलपन की वजह हो सकती है। That's a nonsense. बेटे देखो तुम तो जानते हो कि विजय मेरा इकलौता बेटा है, हमारे खानदान का एक ही चश्म चिराग, तो मैं जीते जी उसको उजड़ता हुआ कैसे देख सकता हूँ? तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अगर आप मेरी माने तो ये काम मेरे जिम्मे दे दें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं विजय को आपके पास वापस लेकर आऊंगा, लेकिन इस बीच अगर आप पुलिस से ना उलझें तो बेहतर होगा क्योंकि वो जानबूझ के काम बिगाड़ भी सकती है। हाँ। मैं खास तौर से विजय की तलाश करूंगा। मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा और मुझे पूरा यकीन है कि जब विजय मुझे देखेगा तो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा। डन डन। Help me, my son. God bless you. Neelam. Yes. I'm sorry. Eat up. भाई कहाँ है? नहीं मालूम। पता? दारुखाना। दारुखाना? मैं बहुत खुश हूं। सच? तू खुश है? हाँ। तो बहुत अच्छा है, मैं भी खुश हूं। चल दोनों मिलके खुश होते हैं। माँ लेकिन तू खुश क्यों है? इस दुनिया में किसी को इतना खुश रहने का हक नहीं दिया जाता। मैं भी बहुत खुश रहा करती थी लेकिन इस दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने मेरी सारी खुशी छीन ली। जिन्होंने तेरी खुशियां छीनी थी माँ
मैंने उनका चैन छीन लिया है। मां, आज 27 साल के बाद मुझे पहली दफा सुकून नसीब हुआ। जिस आग में मैं जिंदगी भर सुलगता रहा, तड़पता रहा, आज उसी आग की जरा सी एक चिंगारी की चमक ने किसी की जिंदगी को तिल मिला दिया है। अब उसे एहसास होगा कि अपनों की बेबसी में कैसे तड़पा जाता है। अपना? कौन अपना? राय साहब अजय कुमार। राय साहब अजय कुमार कौन है ये? मां, ये वही नाम है जिसके होते हुए तेरी मांग सुनी गई। ये वही नाम है जो मेरे नाम के साथ ना लग सका। ये वही नाम है जो तुझे इस भरी दुनिया में तकलीफें सहने के लिए अकेला छोड़ के चला गया। जहां तेरे ख्यालात और तेरी जुबान धूप छांव की तरह बदलते रहे। मां, कभी तुझे एहसास हुआ, और मां, कभी तू सब कुछ भूल गई। यही है वो नाम, यही है वो नाम। मैं पीटर बोल रहा हूं सर। आई एम सॉरी सर, विजय को दारूखाना अड्डे का पता चल गया। मैं मजबूर था सर, अगर मैं नहीं बताता तो वो मुझे जान से मार देता। इस उम्र के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। औरत तो हाथ से जाएगी, ऊपर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। और जाके उसे कहो कि उस बच्चे को लेकर 2-3 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए, यहाँ आने की गलती ना करे, समझे? अगर विजय दारूखाना पहुंच गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। गो इमीडिएटली, अंडरस्टैंड? राइट सर। तुम्हारी आवाज, तुम तो लंगड़े थे। यही मेरी असली आवाज है, और ये है मेरी असलियत। ना मैं मस्तान लंगड़ा हूं और ना चरसी। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर एन ए अंसारी ऑफ क्राइम ब्रांच। तो ये भेस? इमेलो जैसे मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए कभी कभी ये भेस भी बदलना पड़ता है। कौन डिमेलो? वही जिसे तुम दीनानाथ के नाम से जानते हो। हाँ, दीनानाथ, जो एक सजा याफ्ता मुजरिम डिमेलो है, जिसे बैंक के फ्रॉड केस में 15 साल की जेल हो चुकी है। जेल से निकलने के 1 महीने बाद जब मैंने उसे बैंक से 50,000 रुपये निकालते देखा तो मुझे शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने उसका पीछा किया, उससे पता चला कि वो एक नया जाल बुन रहा है। तो तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? डिमेलो अब हमारी हिरासत में है। उसी से पता चला है कि अंजू का भाई यहां था। था? माथुर उसे यहां से ले जा चुका है। कहां? वर्तक नगर बाजार। तुम कहां ले जा रहे हो मुझे? आ, 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 बचाओ मुझे, बचाओ, मुझे बचाओ। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। अंकल मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? अंकल छोड़ दो मुझे। बचाओ मुझे, बचाओ, मेरी दीदी कहां है? दीदी बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे प्लीज, मैं बचाओ। चुप। तुम यहां क्यों चले आए? तुम्हें तो यहां आने से मना किया था ना? और कोई चारा भी नहीं था। विजय को सब कुछ पता चल गया है, और ये कमबख्त पुलिस भी मेरे पीछे पड़ गई है। सारा खेल बिगाड़ के रख दिया तुम लोगों ने। वाट डिमेलो पुलिस की हिरासत में है, और यह तुम खुलम खुला मुंह उठाए ऊपर चले आए। अरे आना ही था तो कम से कम इस कमबख्त को तो कहीं दफना आते। मेरा मकसद खून खराबे से नहीं है नवाब, मैं तो सिर्फ विजय को पागल देखना चाहते हो। ये जुमला सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुम तो अपने मकसद में कामयाब हो गए। अरे इसे खत्म कराते तो आधी जंग भी जीत जाते। बरखुरदार,
डर और दहशत की ईंटों पर ही दौलत का झंडा लहराया जाता है। और फिर अपने मकसद में कामयाब होने के लिए अंजू हमारे कब्जे में थी, लेकिन नवाब मैं आगे ससुराल वाले भाई, पुलिस ने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो वरना अमर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, समझे? अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो हमें मजबूरन ऊपर आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर, खबरदार जो तुम या तुम्हारे किसी भी आदमी ने ऊपर आने की कोशिश की, इस बच्चे को गोलियों से छलनी कर दूंगा। और याद रहे, इसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम, समझे? विजय ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, अपने आदमी ले जाओ, उसे वहीं खत्म कर दो। विजय की मौत का जश्न मनाया जा रहा है। अमरकार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया वरना जान से मार दूंगा। बैठो, बैठो। ऊपर होगा शायद, शायद का क्या मतलब? तुम्हें मालूम नहीं, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? हम कुछ नहीं कर सकते, अंजू के भाई को उन लोगों ने खिड़की से लटका दिया, अगर हम कुछ करते हैं तो वो लोग उसे मार डालेंगे। को ले आया हूं। अमर ऊपर है। सरिता, अरे अजय, बहुत ढूंढा तुम्हें, बहुत तलाश था,
आई स्वेयर टू गॉड, मगर तुम नहीं मिली, कहां खो गई थी तुम? मैं इस दुनिया की भीड़ में खो गई, मैंने किसी को नहीं बताया कि अमर तुम्हारा बेटा है। अमर हमारा बेटा? आ गए तुम्हारे अब्बा हुजूर है। अमर माथुर, माथुर अमर, वो तुम्हारा भाई है बेटे। ओ भाई है तुम्हारा, हाउ स्वीट। उसको लेके तुम नीचे आ जाओ, फौरन आ जाओ बेटे। हाँ फौरन आ जाएंगे है, विजय की लाश लेके। तुम भी अपने बेटे को बुला, अमर हमारे बेटे को। अमर अमर मुझे मेरा अजय मिल गया, तुम्हारा पिता मिल गया। हाँ बेटे तुम्हारा पिता मिल गया। हाँ तुम आ जाओ विजय के साथ, अपने भाई विजय के साथ। अमर आ जाओ बेटे, तुम विजय विजय के साथ। तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बहुत छोटा है अमर, अगर तुम सच बता देते तो तुम्हें यह सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपनी मोहब्बत के खातिर तुम्हें अपनी सारी दौलत भी दे देता। तुम क्या समझते हो मैंने ये सब कुछ तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए किया है? बचपन से आज तक जिस आग में मैं तड़पा हूं, उसी आग में मैं अपने बाप को तड़पाना चाहता था, अपनी मां को उसका हक दिलाना चाहता था, समझे? एक बेटे से उसकी मां को छीनकर, अगर तूने मुझे पहले बता दिया होता तो मुझे अपनी मां मिल जाती, और तुम्हें मुझ जैसा भाई। तू दौलत का ही नहीं, दिल का विलाट साहब है मेरे भाई। आओ